मनोहर सिंह जी हिमाचल से संबंधित थे और रंगमंच की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे, और हर वर्ष 12 अप्रैल को मनोहर सिंह जी का जन्मदिन होता है। उस दिन को हम एक उनकी जयंती समारोह के रूप में हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से मनाते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ गेटी थिएटर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। आज सुबह का सत्र संगोष्ठी का होगा और शाम के वक्त एक नाटक की प्रस्तुति हमारे यहाँ गोथिक हॉल में होगी। आज की संगोष्ठी में हमारे बीच अपने व्याख्यान के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी सुनील सिन्हा जी मौजूद रहे, और उन्होंने अपने, क्योंकि उन्होंने मनोहर सिंह जी के साथ बहुत लंबे समय तक बहुत निकटता से काम किया, तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए मनोहर सिंह जी के जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और किस तरह का उनका रंगमंच का सफ़र रहा उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि हमारे शिमला की वरिष्ठ रंगकर्मी श्रीनिवास जोशी जी रहे, और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवीण चांदला जी कर रहे थे, और बहुत सारे रंगकर्मी पूरे प्रदेश भर से आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं। उनको सब, इस कार्यक्रम को हमारा करने का उद्देश्य यह भी है कि हम मनोहर सिंह जी को श्रद्धांजलि दे सकें, उनको याद कर सकें, और साथ ही साथ हम जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, उनको रंगमंच की तरफ ले जाने की ओर प्रेरित कर सकें। तो यही, इसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।